सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरें देख रहे हैं। आप सब का स्वागत करते हैं। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो बड़े जर है इससे दिल्ली दी सिंगू बॉर्डर ते किसानां दा अंदोलन दा अज 37वां दिन। सिंगू सरहद ते 80 किसान जथेबंदियां दी अज दोपहर 2 बजे होण जा रही अहम बैठक। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे सुखविंदर सिंह सवरा दा वड्डा बयान, 4 जनवरी नूं कोई हल नहीं निकलिया तां तेज होवेगा संघर्ष। राजस्थान के किसानों को दिल्ली पहुंचने रोकने दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने की निखेधी, कहा हरियाणा सरकार वालों वरते गए हथकंडे घटिया। हुण खबर विस्तार नाल। खेती कानूनों खिलाफ सिंगू बॉर्डर से किसानों का अंदोलन का अज 37वां दिन है। तीनों खेती कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सिंगू सरहद से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार ही जारी है। किसानों का कहना है कि जो तक सरकार इन खेती कानूनों को वापस नहीं ले लेंदी उदों तक साड़ी लड़ाई चल रहेगी। उधर दिल्ली की सिंगू सरहद से 80 किसान जथेबंदियों की 2 बजे अज अहम बैठक होने जा रही है। इस तो पहला किसान अते सरकार दरमियान 7वें दौर की गलबात दा विच पूरा हल तो नहीं निकल सकया, पर विवाद के 2 मुद्दों से सहमति बन गई सी। 4 जनवरी को होने वाली अगली बैठक तो पहला किसान अगे की रणनीति बनाएंगे। खेती कानून विरुद्ध सिंगू सरहद से किसानों का विरोध प्रदर्शन अज का 37वां दिन है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा ने कहा कि 3 खेती कानूनों रद्द होने चाहिए ने, जेकर 4 जनवरी को इसका कोई हल नहीं निकलिया तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्रोमणी अकाली दल के कौमी बुलारे मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजस्थान के किसानों दिल्ली पहुंचने तो रोकने हरियाणा सरकार वालों घटिया हथकंडे अपनाने की जोरदार निखेधी की। सरदार सिरसा ने कहा कि राजस्थान तो वड्डी गिनती में किसानों ने दिल्ली वल कूच किया, इन्होंने शाहजहांपुर विखे राजस्थान हरियाणा सरहद से पुलिस वालों लगाई बैरीगेटिंग तोड़ दी। उन्होंने कहा कि यह किसान दिल्ली के बॉर्डर से चल रहे किसान संघर्ष में शामिल होने लिए पूरे उत्साह नाल दिल्ली वल वध रहे सन, पर हरियाणा सरकार ने बनावटी ट्रैफिक जाम लगा के इन्हां दीआं ट्रैक्टर ट्रालियां ते होर साधनां नूं दिल्ली पहुंचने तो रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने मनसूबों में कदे भी कामयाब नहीं होगी, राजस्थान के यह किसान हर हिले दिल्ली बॉर्डर से पहुंच कुंडली विखे किसान संघर्ष का हिस्सा बनेंगे। कई सालों तो लटक रहे पीजीआई हस्पताल का नवे साल से लोगों को पंजाब सरकार वालों तोहफा दिते जाने विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने अज अपने हाथी इट लगा के नींह पत्थर रखे। इस मौके डिप्टी कमिश्नर गुरपाल सिंह चाहल, सीनियर पुलिस कप्तान भुपिंदर सिंह आदि अधिकारी हाजिर सन। इस दौरान नवे साल दियां सपनों नूं वधाईयां दिंदियां विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने दस्सिया कि पीजीआई हस्पताल 400 बिस्तरां दा बनाया जाएगा, इस दे 2000 करोड़ रुपए से वधेरे की राशि खर्च की जाएगी। आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त पंजाब मामलों के सहायक इंचार्ज राघव चड्डा ने अज नवे साल की आमद के मौके पर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया। इस दौरान विधानसभा में विरोधी धिर के आगू हरपाल सिंह चीमा और वक्फ वक्फ विधायक भी हाजिर सन। इस मौके राघव चड्डा ने कहा कि वह परमात्मा के चरणों में अरदास करन आए ने कि दिल्ली सरहद विखे अपनियां मंगां लई संघर्ष कर रहे किसानों की जीत यकीनी होवे अते वह मुड़ अपने परिवारों में परत के खुशहाल जिंदगी बतीत करन।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने लिए लाए गए नाइट कर्फ्यू तो आज राहत मिल गई है। पंजाब सरकार ने 1 जनवरी तो रात का कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है और लोगों को कोविड 19 के फैलन को रोकने लिए दिए प्रोटोकॉलों की पालना करने की सलाह दी है। दस दें कि सारे शहरों के कस्बों में रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया सी। इस तहत राज में रात 9:30 बजे तक होटल रेस्टोरेंट मैरिज पैलेस बंद करने संबंधी पाबंदियां सन जो 31 दिसंबर तक लागू रहने मगर अज तो खत्म हो गई ने। हुण यह फैसला भी लिया गया है कि लोगों के इकट्ठ से लगिया पाबंदियों में भी 1 जनवरी तो ढिल दी जाए। सारे घरेलू ते बाहरी समाजिक इकट्ठा में क्रमवार 200 व्यक्तियों ते 500 व्यक्तियों की ढिल दी गई है। स्थानक श्रोमणी अकाली दल शहर की मीटिंग पीर बाबा चिरंगी शाह धर्मशाला विखे भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल साबका IGPC प्रधान की रहनुमाई हेठ हुई है। इस विशेष तौर पर पार्टी वर्कर नाल आरती एसोसीएशन प्रधान रविंदर सिंह चीमा बुलारा विनरजीत सिंह गोल्डी राजिंदर दीपा और गुरप्रीत सिंह लखीमपुरा विशेष तौर पर हाजिर होए। इस मौके भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल ने कहा है कि उन्होंने वालों शहर सुनाम विखे 23 वार्डों में नगर कौंसल चोणा लड़िया जाएगी कमेटी बना के टिकट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धक्केशाही खिलाफ डट के चोणा लड़नगे। उन्होंने खेती कानून से कहा कि सरकार को जिद छड के अपने काले कानून वापस ले लेने चाहिए ने। नगर निगम अमृतसर के जनरल हाउस की मीटिंग हुई जिस विच शहर दियां तकरीबन सारियां वार्डां नाल संबंधित विकास के मते सर्वसम्मति नाल पास किए गए। मीटिंग की प्रधानगी करते हुए मेयर करमजीत सिंह ने हाउस के संबोधन में साल 2020 दौरान पतवंते व्यक्तियों से COVID-19 कोरोना वायरस दौरान सेवा निभाते हुए शहीद हुए कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देने लिए 2 मिनट का मौन रखने लिए कहा। मीटिंग में तकरीबन 90 मते पेश किए गए सन जिन्हों में कुछ 1 मतियां छट के सारे मते सर्वसम्मति नाल पास कर दिए गए। मीटिंग में विधायक इंद्रवीर सिंह बुलारिया विशेष तौर पर शामिल होए ते उन्हां वालों शहीद बाबा प्रताप सिंह जी को समर्पित एक टेबल एजेंडा रखते हुए तजवीज़ किया गया कि चाटी विंड गेट तो टालीवाला चौक तक भी सड़क का नाम शहीद बाबा प्रताप सिंह जी के नाम से रखा जाए। मीटिंग में नगर निगम के तकरीबन हर वार्ड नाल संबंधित 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों सारे कौंसलर साहिबान ने अपनी सहमति दी है और सारे मते सर्वसम्मति नाल पास कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में मौजूदा नगर निगम हाउस वालों तकरीबन 400 करोड़ रुपए के विकास के काम किए गए हैं जबकि पिछले निगम हाउस वालों अपने पूरे समय में सिर्फ 125 करोड़ रुपए के काम ही किए गए। इस तरह मौजूदा हाउस वालों अमृतसर शहर का रिकॉर्ड तोड़ विकास किया गया और इन 100 करोड़ रुपए के कामों के नाल शहर की दिख में निखार आएगा। हुण वधदे अगली खबर वल। भगता भाईका विच डेरा प्रेमी मनोहर लाल का कतल करके जिम्मेवारी लैण वाले गैंगस्टर सुखा लम्मा गैंग के 2 मैंबरों नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारियों को धमकी देने के दोष में इन्हों गिरफ्तार किया गया जबकि 1 फरार हो गया। पुलिस ने मुलजमान तो हथियार भी बरामद किए हैं। जांच में पता लग्या है कि भगता विच रहण वाले कुछ नौजवान गैंगस्टर ग्रुप नाल जुड़े ने अते जो इलाके के व्यापारियों से पैसे वाले की जानकारी ग्रुप नूं दिंदे ने। सूचना के आधार पर CI स्टाफ ने बीती 28 दिसंबर को विष्णु कुमार उर्फ गोलू नेपाली सुखविंदर पाल सिंह उर्फ गगी और लखवीर सिंह जिला मुगल नामजद किया। इस दौरान दोवां कोलों 315 बोर की पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किए ने। नवे साल की आमद से हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर स्थित बाबा बालक नाथ जी की गुफा से संगत नतमस्तक होने लिए पहुंचिया ने। बेशक प्रशासन वालों संगत की सहूलत वक्त तरह के प्रबंध किए हुए सन परंतु कोरोना महामारी के कारण बीते समय के मुकाबले संगत की आमद बहुत घट रही है। प्रशासन वालों संगत मास्क लगा के चैरिटेबल करने तो बाद मंदिर अंदर जान दिता जा रहा है। मंदिर प्रशासन के वलों कोरोना वायरस के मद्देनज़र इस बार संगत गुफा के बिल्कुल अंदर दर्शन करने की आग्ञा नहीं दी गई। इस बार मंदिर प्रशासन वालों मत्था टेकने लिए पहलां तो औरतों के लिए मत्था टेकने लिए बनाए गए रस्ते राही समूह संगतों दूर तो ही मत्था टेकाया जा रहा है। इस मौके वख-वख थावां तो मत्था टेकने लिए आए श्रद्धालुओं ने गलबात करते कहा कि प्रशासन वालों संगतों की सहूलत लिए पुख्त प्रबंध किए गए ने। विधानसभा हलका खेमकरण अधीन पेंदे पिंड करियाला विखे करियाने की दुकान तो चोरों ने कंध पाड़ के चोरी की है। इस संबंधी जानकारी साझी करदिया
दुकान के मालक ने कहा कि वह हर रोज की तरह रात भी अपनी दुकान बंद करके घर चले गए सन। जब सवेरे आके वेखिया तो दुकान की पिछली कद पार्टी हुई सी, दुकान विचों करियाने का समान इस विच खुली शराब के ठेके की ब्रांड की शराब की 10,000 रुपये नकदी चोर लैके फरार हो गए। उन्होंने कहा कि इस संबंधी उन्होंने वालों पुलिस चौंकी करियाला विखे दरखास्त दी गई है, पर अजे तक कोई पुलिस मुलाजम उत्थे नहीं पहुंचा। उधर इसे तरह ही पिंड करियाला विच एक होर किराने दुकान नूं चोरां ने निशाना बनाया। पुलिस ने इलाका निवासियों नूं चोरां नूं जल्द फड़न दा भरोसा दिता है। फिलहाल इस बुलेटिन में शाना ही जानते जानते नजर मारते हैं भारत के मौसम के हाल ते वेदर ब्रांडिंग पावर्ड बाय गोदर इजी लिक्विड डिटर्जेंट।